गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी ऑल अंडरस्टैंड नाइसली व्हाट इज एडजेक्टिव एंड ऑल्सो कम्प्लीट एक्सरसाइज ए बी एंड सी. सो नाउ टूडे वी विल डू एक्सरसाइज डी. फिल इन सुइटेबल एडजेक्टिव फॉर्म द बॉक्स. सो इस बॉक्स से जो सही एडजेक्टिव फॉर्म है उसको हमें लिखना है. अन्या मेक्स टेस्टी नूडल्स. अन्या कैसा नूडल्स बनाती है? टेस्टी. एक्सरसाइज ई. चूज सुइटेबल एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. माई मदर वॉज हैप्पी एंग्री वेन आई गेव हर फ्लावर. तो मेरी माँ खुश होती है या गुस्सा होती है वेन आई गेव हर फ्लावर. जब मैं उन्हें क्या देता हूँ? फ्लावर. तो मेरी माँ खुश होती है. हैप्पी इज करेक्ट आंसर. सो रिमेनिंग आई विल सेंड यू द PDF. नाउ कम टू एक्सरसाइज एफ. Mrs. Goodwins has lost her new pet kitten. Her neighbor, Mr. Lookout, says he has seen a stranger walk around Mrs. Goodwins' house several times this week. So, Mrs. Goodwin, जो है, उनके घर पालतू kitten था. क्या था? पालतू cat का छोटा baby था. हर नेबर मिस्टर लुक आउट सेज ही हैज, जो कि खो गया है. तो उनके पास में ही उनके जो पड़ोसी हैं मिस्टर लुक आउट, उन्होंने कई बार मिसेस गुडवान के घर में एक स्ट्रेंजर मींस ऐसा इंसान जिसे हम नहीं पहचानते हैं, उनके घर के आसपास बहुत टाइम से इधर उधर चल रहा था इस वीक, इस हफ्ते में. किनके घर के आसपास? मिसेस गुडवान के घर के आसपास. तो क्या हुआ? मिसेस गुडवान के घर में जो पालतू किटन था वो खो गया. रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन. तो उस आदमी का डिस्क्रिप्शन, वो आदमी कैसा था, उसके बारे में हम इस लाइन में पढ़े, इस यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे. सर्कल ईच एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन. तो क्या करना है? सर्कल करना है, गोल करना है जो एडजेक्टिव है, एंड अंडरलाइन द नाउन. और जो नाउन फॉर्म है उसको हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. दैट इट डिस्क्राइब्स, जो यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. पहले जो किया गया, पहले एक आपके लिए किया गया है. ही इज अ टॉल मैन. सो टॉल इज अ एडजेक्टिव. टॉल क्या है? एडजेक्टिव है. सो उसको सर्कल किया गया है और जो नाउन है उसको अंडरलाइन किया गया है. मैन इज अ नाउन. Remaining, I will send you in PDF, okay?